नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यापारी व्यापार को लेकर परेशान हैं। दीपावली का त्यौहार देश में धूमधाम से तो मनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की मार आम जनता को एवं व्यापारियों के सामने बहुत बड़ा संकट बनकर आ रही है। व्यापारियों से पूरी खबर। कोरोना के बाद में पहली बार इस देश में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हम आज भोपाल के पास राजधानी से लगा हुआ उमरावगंज क्षेत्र है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का आज बाजार लगा हुआ है। ग्रामीणों में दीपावली के लिए बड़ा उत्साह है, लेकिन इस बार माहौल है पटाखे के मार्केट में। भाई जो धंधा डाउन पड़ा हुआ है, कुछ बजनदारी लॉकडाउन के चक्कर में ऐसा फील हो रहा है कि ये समझ लो आप आधा नहीं निकल रहा है। क्या क्या लगता है कि जो आपने सोचते हुए कहना है कि हमें दो पैसे मिलेंगे? बिल्कुल लाइन ही नहीं है दो पैसे मिलने की। इसका लाइसेंस लेट मिला इस वजह से या नहीं? नहीं, वो तो लाइसेंस की वजह से नहीं, ये तो सर आप देख रहे हो लॉकडाउन के चक्कर में हो रहा है, किसी के पास धंधा भी नहीं है। पहली बात तो हमने क्या है, खेती किसान वाले लोग हैं जुड़े हुए, तो आपको उनकी धाने भी नहीं कटी, पूरा डाउन ही चला, पूरी मार्केट ही डाउन है अपन से मतलब। सर जिस पर दीपावली का त्यौहार है तो क्या महंगाई को लेकर जनता परेशान? महंगाई तो है साहब, जनता परेशान है। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है आपको आज? किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, मतलब ग्राहकी में किस प्रकार का असर है? अरे मंदी वाला है वो तो, अभी भीड़ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो कल से वर्षों तो कुछ भी नहीं हुआ। किस प्रकार का सामान आपके यहाँ उपलब्ध है? किस प्रकार का सामान उपलब्ध है? छोटा ही आइटम ला साहब, बड़ा आइटम नहीं ला, महंगाई की वजह गाँव में सस्ते सामान मिलता है। महंगाई का गरीब रेखा के लोग हैं, मजदूर तरफ के लोग हैं। पेट्रोल भी देख लो आप, 60 था आज 110 हो गया। किस प्रकार के पटाखे की डिमांड मारती है आपके यहाँ? जहाँ की जी बड़े फटाखों की डिमांड भी जैसे 80 बम वगैरह हुए और अपने बड़ी पड़ी शासन को किस प्रकार की आपको? शासन की तो बात नहीं, मतलब शासन को चेंज करवाना चाहते हैं। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा ये ग्रामीण क्षेत्र उमरावगंज, फिर यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के फटाखा? बहुत मंदी चल रही है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, ऐसा नहीं है फटाखे पास बहुत मंदा लग रहा है। तो पब्लिक भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेबर वर्क ज़्यादा है, गांव के तो आए नहीं रहे, मजदूर जो धान काट रहे हैं वही ले रहे हैं। सर किस प्रकार के फटाखे की डिमांड अभी ज़्यादा है? छोटा फटाखे की डिमांड ज़्यादा है, बड़ा फटाखा कोई नहीं लेता, ना मार्केट में आता है छोटा। क्या लगता है इस बार जो आपने दुकान लगाई है तो आपको फायदे से लेकर? इसमें ऐसा लग रहा है कि जो माल खरीदा वो पूरा रखता रह जाएगा, पेमेंट निकलने की जरूरत पड़ रही है। और दूसरा क्या है, लाइसेंस वगैरह बहुत प्रक्रिया करना पड़ती है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पहले में से ही हो जाता था, अभी बहुत प्रक्रिया से लाइसेंस बनता है। और रोज पहले लाइसेंस आता, माल लेने की परेशानी आती है, वहाँ पर जाते हैं तो माल नहीं मिल पाता, जो माल अपन को माल नहीं मिल पाता। आप चाहते हैं शासन 10 दिन पहले लाइसेंस, 10 या 15 दिन पहले शासन लाइसेंस बना, जिससे ताकि माल अच्छा कस्टमरों को मिल सके। अब वहाँ पे जाते तो गदरा, और कोरोना काल में पब्लिक को वैसे ही दूर दूर रहना पड़ता है। उमरावत ने समस्त व्यापारियों से आज चर्चा की, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मार्केट की हालत ख़राब है, ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से लोगों के पास पैसों की कमी है, और कहीं ना कहीं महंगाई सबसे बड़े संकट का साधन है। महंगाई देखते हुए फटाखे मार्केट में बड़ी मायूसी है। व्यापारी कहना है कि जो लागत हमने लगाई है शायद वो भी निकलना नामुमकिन हो रही, ऐसे हालात में हम कैसे व्यवसाय करें? कहीं ना कहीं शासन ने जिस प्रकार लाइसेंस देने की प्रक्रिया जो अपनाई है कि 2 दिन पहले लाइसेंस दिया, उससे भी मार्केट बाजार में काफ़ी मायूसी है। हेडलाइन 24 संतोष सिंह के भोपाल।